हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, एंड टू एंड डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैं नाम सी रजत राजोड़िया, मैं कॉन्ट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी को एनालाइज करना। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स। सो लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली थी, उसके पहले एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी। तो जो बाइंग मोमेंटम ग्रीन कैंडल से जो आया था वीकली टाइम फ्रेम पे, वह फेड अप होते हुए देखा था आपको लास्ट वीक में। वहीं अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप प्राइस एक्शन अगर समझने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन यहाँ पे देखा कि आपने एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, देन अगेन सेकंड लेग ऑफ रैली स्टार्ट हुई, मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया 20,600 के आसपास, एंड अगेन मार्केट फॉल होता हुआ देखा, एक और कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला। तो अगर ये रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, तो अगर हम फिबोनाची नंबर से अगर देखने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली 20,200 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 61.8 रिट्रेसमेंट, और उसी के आसपास प्राइस अभी आके रिट्रेस होता हुआ आपको दिखा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 20,200 का। ऊपर के जोन में अगर देखें तो 20,650 का जोन है, ये हाई था, इसके ऊपर मार्केट निकल नहीं पाया है। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, और आर्ली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने देखा एक ट्रेंड को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ऊपर के जोन में जाके एम पैटर्न के साथ मार्केट में आपको फॉल देखने को मिला, 20,650 के आसपास सेलिंग, हैवी सेलिंग देखने को मिली, जिसने मार्केट को आपको 20,500 के नीचे ड्रैग करता हुआ दिखा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो 20,600 से लेके 20,650 का जोन है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वहीं अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करें तो 20,000 राउंड नंबर के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो 20,000 से 19,950 का जोन है, 19,900 से 20,000 का जो जोन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। मार्केट अभी इस रेंज में काम कर रहा है, अगर आप रेंज देखने की कोशिश करें, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट डबल बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गया, इसी रेंज में मार्केट काम करने की कोशिश कर रहा है 20,600 से 20,000। मार्केट में जो फ्रेश सेलिंग आई है, आपने देखा ये फ्रेश सेलिंग आई है, ये अभी रिट्रेस हो रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको मंडे के दिन में दिखा है। अगर इस रिट्रेसमेंट जोन से अगर देखें कि कितना रिट्रेस हो सकता है ये फॉल, तो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद फिर से लें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 50% से 61.8 का जो जोन है ये निकल के आता है आपका 20,500 से लेके 20,400, ये एक 61.8 और 50% रिट्रेसमेंट जोन है। मार्केट में अगर ये रिट्रेसमेंट जो फॉल आया है, इसका रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है, मार्केट अगर जाने को आया तो इस लेवल तक जा सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 20,500 के जोन के आसपास। और नीचे के जोन में अगर देखें तो 20,200 जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट लेवल था, उसके आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उस तरीके का जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमने देख लिए हैं। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल के दिन में क्या ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, क्या क्या सिनेरियोस बिल्डअप हो सकते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। देखिए, मार्केट में रिसेंटली एक बड़ा फॉल आया है, उसका रिट्रेसमेंट अब चल रहा है, तो बायस अभी मार्केट में ऑन अ बियरिश साइड है। मार्केट बुलिश तभी होगा जब 20,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग अगर आपको देखने को मिलती है कल के दिन में। अगर 20,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, देन मार्केट 20,400 से 20,500 के बीच में स्ट्रगल करके अगर ऊपर के जोन में जाता है तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 20,600 से 20,650 के टारगेट के साथ। बाइंग तभी करनी है जब 20,400 के ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग गैप अप दिखाने की कोशिश करे कल के दिन में। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 20,400 के नीचे अगर ओपन होता है, देन मार्केट में अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और ये जो ट्रेंड चल रहा है इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देन आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 20,200 के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके कंसोलिडेट करके 20,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे के जोन में जाता है तो आपको एक एग्रेसिव फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है 20,100 से 20,000 तक के टारगेट के लिए। सो बाइंग सिनेरियो तभी बनेगा जब मार्केट में आपको गैप अप 20,200 के ऊपर देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के केस में 20,200 के नीचे आपको सेलिंग करनी है 20,000 तक के टारगेट के लिए। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ अगर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, देन आप 20,200 के टारगेट के लिए एक सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल के दिन की इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी 20,200 और 20,400। 20,200 से 20,400 के बीच में ही मार्केट कल अगर ट्रेड करता है तो एक साइलेंट एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। आइदर साइड आपको ब्रेकआउट देखने मिले तो आप बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, मार्केट में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई होप एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.